हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वैगनॉर नहीं, आजकल के जिस गाड़ियों में से सेंट्रल लॉकिंग और एंटी थेफ्ट अलार्म आता है उसमें यहाँ पर एक लाइट, हम आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। 2 मिनट। ये डोर बंद किया मैंने, कोई घर वाले सो रहे हैं इसलिए ये मैंने कार लॉक की। वो देखो वहां पर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा वो लाइट किस लिए होती है। ये देखो ब्लिंक कर रही है। जब आप कार लॉक करोगे सिर्फ रिमोट से, की से करोगे तो नहीं करेगी वो। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट। ये मैंने कार खोली और ये बंद हो गई। अगर आप यहां से भी लॉक करोगे तो भी वो नहीं ब्लिंक करेगी। ये देखो कार लॉक है पर वो ब्लिंक नहीं करेगी। ये देखो मैंने कार लॉक की, इससे फिर ब्लिंक करने लग गई। अगर आप यहां से खोलोगे, अगर कार अपन अनलॉक करोगे तो लाइट 3-4 बार ब्लिंक करेगी और सायरन मारने लग जाएगी कार। तो ये यूज होता है उसका। अगर आप कार आपके इसकी बैटरी उतर गई है, अगर आप कार इससे लॉक की या अनलॉक की तो ये लाइट नहीं लगेगी और आपको इससे ही अनलॉक करनी पड़ेगी। मतलब इससे खुलेगी पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजेगा। जब आप इससे लॉक करोगे तभी सिक्योरिटी अलार्म बजेगा। तो ये कुछ यूज होता है उसका। अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई तो सॉरी यार, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।